रात के वक्त काला घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हाड़ कंपा देने वाली शीतलहर चल रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पीपला गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके पड़े थे। हल्की हल्की अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। पीपला गांव से कुछ दूर पहले सीगल पैलेस था। कहते थे कि इसे अंग्रेजों ने बनवाया है। सीगल पैलेस के आसपास शमशान घाट और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। राकेश अपनी दोस्त की शादी से अपने गांव बाइक से लौट रहा था कि अचानक सीगल पैलेस के पास उसकी बाइक रुक गई। राकेश ने जब आसपास की तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक भी तारा नजर नहीं आया। उसने आसपास नजर घुमाकर जब देखा तो सिवाय अंधकार के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, भाग, फंस गया मैं। अब इस बाइक का क्या करूं? ठंड भी बढ़ गई है और हल्की फुल्की बूंदा बूंदी भी शुरू हो गई है। उसने जब घड़ी पर नजर डाली तो घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अचानक राकेश की नजर सीगल पैलेस की खिड़की पर पड़ी। उसे वहां पर रोशनी नजर आई, जैसे कि वहां पर आग जल रही हो। इतनी रात गए यहां पर कौन हो सकता है? यहां तो कोई नहीं आता। हो सकता है कोई मेरी तरह रास्ते में फंस गया हो और सर्दी की वजह से उसने कुछ लकड़ियां जला ली हो। हाँ, यह कहता हुआ राकेश अपनी बाइक को वहीं खड़ी करके सीगल पैलेस की तरफ चल दिया। राकेश जैसे ही सीगल पैलेस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति आंख बंद किया हुआ बहुत धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चारों तरफ से लाल रंग का घेरा बना रखा था। मंत्र पढ़ने में बीच बीच में वो आग के ऊपर कुछ फेंक भी रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत सवार थी। उस व्यक्ति को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उससे रहा नहीं गया। उसने चीख कर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे मना किया था ना, उसके बावजूद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आप जानते हो, आपकी इस हरकत से सर्वनाश हो सकता है। आपने अपने गंदे और घिनौने मकसद के लिए ये जगह चुनी है। किसी को इस पर शक भी नहीं होगा। कौन सोच सकता है कि किसी सीगल पैलेस के अंदर कोई इस घिनौनी काम को कर सकता है। इतना बोलकर राकेश गुस्से में उस घेरे के अंदर घुस गया। तंत्र साधना में लीन उस व्यक्ति ने अचानक आंखें खोल ली। उसकी आंखों में लाल लाल दहकते अंगारे से निकल रहे थे। उसका चेहरा किसी पिशाच से कम नहीं लग रहा था। ये सब देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर राकेश से कहा, मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? इस गोल घेरे के अंदर आकर तूने मेरी सिद्धि को खराब कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि अचानक जलती हुई लकड़ियां बुझ गई। अंदर जो थोड़ा गर्म माहौल था अचानक वो सर्दी में तब्दील हो गया और एक ठंडी तेज हवा का झोंका राकेश के गाल से टकराया। अंदर इतना घना अंधेरा हो गया कि राकेश और वो व्यक्ति एक दूसरे के शक्ल भी नहीं देख सकते थे कि अचानक उस व्यक्ति की चीख राकेश के कानों से टकराई। राकेश अपनी पूरी ताकत लगा के वहां से भागने लगा। वह सीगल पैलेस के बाहर पहुंचा ही था कि अचानक उस व्यक्ति ने बाहर किसी पर खड़ा हुआ पाया। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था। तारे निकल रहे थे। चांद अपने पूरे शबाब पर था। राकेश अब चेहरा देख सकता था। राकेश के सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। उसके होंठ सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। काली साड़ी में वो युवती किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राकेश उसे देखकर सब कुछ भूल गया। उसकी खूबसूरती में सम्मोहित सा होता जा रहा था। वो बस उसे देखे जा रहा था। अचानक उस युवती ने राकेश से कहा, क्या देख रहे हो राकेश? क्या तुमने कभी कोई सुंदर स्त्री नहीं देखी क्या? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता?
मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है राकेश। तुम्हारी एक सुंदर सी बीवी है और एक बेटा भी है। लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें आज तक कभी इस गांव में नहीं देखा। वो सब बातें छोड़ो राकेश, और मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हें मुझे अपनी बाहों में ले लेना चाहिए? उस स्त्री की आवाज में पता नहीं क्या सम्मोहन था कि राकेश उसमें समाता जा रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था कि कुछ क्षण पहले क्या घटी थी। राकेश अब उस स्त्री को देखकर बेकाबू सा होने लगा। राकेश ने वासना भरी नजरों से देखकर कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा एक नाम नहीं राकेश, कई नाम है। तुम जिस नाम से चाहो उस नाम से मुझे बुला सकते हो। राकेश ने बिना देरी किए उस स्त्री को अपने आलिंगन में भर लिया। आलिंगन में भरते ही राकेश अपनी मस्ती में खो गया। वह ये भी देखना भूल गया कि उस स्त्री का चेहरा अब सुंदर नहीं था, बल्कि उसके खूबसूरत हाथों में नाखून की जगह बड़े बड़े दो पंजे थे और उसके दांत किसी भेड़िए की तरह अचानक से बड़े हो गए। देखते ही देखते उस स्त्री ने अपने दांत राकेश की गर्दन में गड़ा दिए और राकेश की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन राकेश की लाश नग्न अवस्था में सिगल पैलेस के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। चारों तरफ पीपला गांव के लोग मौजूद थे। राकेश की लाश देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बदन के खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें फटी हुई थी जैसे कि उसने कोई बहुत ही भयानक चीज अपने सामने देखा हो। राकेश की बीवी बुरी तरह से रो रही थी। गांव के मुखिया ने तांत्रिक भैरवनाथ को यहां पर बुलवाया था। भैरवनाथ ने जैसे ही राकेश को देखा वो बुरी तरह से चीखने लगा, अनर्थ, घोर अनर्थ, ये अनर्थ है, ये कैसे संभव हो सकता है? तभी गांव का मुखिया बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा, कैसा अनर्थ? नादान मुखिया, क्या तूने राकेश की लाश को नहीं देखा? देख, इसके शरीर के खून का एक एक कतरा किसी ने नहीं छोड़ा। देख इसकी लाश कैसे सफेद पड़ी हुई है, इसकी आंखें कैसे फटी हुई है, मगर आसपास खून का एक भी कतरा तक मौजूद नहीं। इसका किसी ने खून पिया है। भूत प्रेत पिशाच इनमें से कोई भी इस तरह से किसी इंसान का खून नहीं पीते। बाबा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पर किसी ने सिद्धि की है, या तो वो अपनी सिद्धि में विफल हुआ है या फिर कुछ और हुआ है, उसका परिणाम इस व्यक्ति ने भुगता है। तभी अचानक भैरवनाथ फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मुखिया ने उससे कहा, आप क्या देख रहे हैं बाबा? क्या यहाँ पर सिर्फ इसकी ही लाश मिली है? हाँ बाबा, सुबह ही पता चला कि यहाँ पर राकेश मरा पड़ा हुआ है। राकेश हमारे गाँव का ही है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता बाबा कि आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि अब जो यहाँ पर होने वाला है उससे तुम सब परेशानी में आ जाओगे। अनर्थ हो गया है मुखिया, किसी ने उसे बुला लिया है। किसे बाबा, किसे? यक्षिणी को। इस तरह से इंसान का खून केवल और केवल यक्षिणी ही पी सकती है, और कोई नहीं। यक्षिणी का नाम सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग भयभीत नजर आने लगे। बाबा, अब हम क्या करें? इतना आसान नहीं है मुखिया। यक्षिणी को जिसने बुलाया है वही उसे वापस भेज सकता है। भगवान से प्रार्थना करो मुखिया, अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा, और अगर वो मर गया है तो मुझे तुम सभी की मौत अपनी आंखों से नजर आ रही है। आप इतने सिद्धि पुरुष हैं बाबा, कि आप यक्षिणी को काबू में नहीं कर सकते? ये कोई मजाक नहीं है मुखिया, तुम्हें यक्षिणी की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। एक यक्षिणियां कई प्रकार की होती हैं, मगर राकेश की लाश को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया है
कि यह यक्षिणी बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि वो इस वक्त यहां आसपास के लोगों में किसी की शक्ल में मौजूद हो। भैरवनाथ की बात सुनकर सभी लोग जो कि वहां पर जमा थे, वह एक दूसरे से डर की निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। आखिर यक्षिणी को बुलाने की साधना कौन कर रहा था? क्या राकेश उसे जानता था? भैरवनाथ के मुताबिक यक्षिणी गांव वालों में से किसी का रूप लिए हुए है। आखिर अब क्या करेगी यक्षिणी? ये सारी बातें जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।